नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे रीजनिंग का चैप्टर रैंकिंग, रैंकिंग का पार्ट वन। रैंकिंग का क्वेश्चन में हम लोग याद रखेंगे कि जहां हम लोग को दाया मिले या ऊपर लिखा हुआ मिले या आगे मिले या प्रारंभ से मिले, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग हमेशा आर लिखेंगे। और यदि रैंकिंग का क्वेश्चन में हम लोग को मिले बाएं से या नीचे से या पीछे से या अंत से, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग हमेशा एल लिखेंगे। फिर से एक बार देखिए, यदि रैंकिंग का क्वेश्चन में दाएं से या ऊपर से या आगे से या प्रारंभ से लिखा हुआ हो, तो हमेशा हम लोग आर लिखेंगे। और यदि रैंकिंग का क्वेश्चन में बाएं से या नीचे से या पीछे से या अंत से लिखा हुआ हो, तो हमेशा हम लोग एल लिखेंगे। दोस्तों, आर और एल लिखने से हम लोग को ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा दाएं से या ऊपर से या आगे से या प्रारंभ से, उसी तरह से इधर बाएं से, नीचे से, पीछे से, अंत से। ये इतना का बदले सिर्फ हम लोग एल लिखेंगे और ये सब के बदले सिर्फ हम लोग आर लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रैंकिंग का क्वेश्चन में आर और एल का क्या उपयोग है और इसको लिखने से हम लोग को क्या फायदा मिलेगा। तो इसको लिखने से हम लोग जैसे टोटल निकालेंगे, अगर तो टी टोटल को टी से डिनोट करेंगे या टोटल बराबर लिखेंगे आर प्लस एल माइनस ओवन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम आर लिखे जो तो आपको पता चल रहा है कि दाएं या ऊपर या आगे या प्रारंभ से, इसके बदले हम लोग आर लिखे। एल लिखे बाएं, नीचे, पीछे या अंत से, इसके बदले हम लोग एल लिखे। लेकिन यहाँ पे ओवन सब्ट्रैक्ट किए हैं। सब्ट्रैक्ट करने का कारण है कि हम लोग किसी भी क्रम में सजाया हुआ कोई भी डिजिट रहता है या नंबर रहता है या कोई आदमी हो या कोई भी वस्तु को सजाया जाता है, तो अगर उसको प्रारंभ से और अंत से हम लोग काउंट करेंगे तो जो बीच वाला वस्तु आएगा या बीच वाला जो व्यक्ति आएगा वो उसका दो बार काउंटिंग हो जाता। तो ये जब टोटल निकाल रहे हैं तो टोटल आर प्लस एल मतलब कि जो आरंभ से या जो शुरू से था वो तो हम लोग टोटल काउंट कर लिए पूरा का। अब जब अंत से हम लोग काउंट करते हैं एल के बदले, तो ए भी हम टोटल काउंट कर लिए। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो बीच वाला का नंबर एक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उसी को मैनेज करने के लिए हम लोग एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों, इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हम अभी बताते हैं आप लोग को और एक एक करके प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है रैंकिंग का, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है। तो हम पहला ही बताए चाहे दाएं हो, चाहे ऊपर हो, चाहे आगे हो, चाहे प्रारंभ से लिखा हुआ है, तो हमेशा आर लिखेंगे। तो कहा लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है, तो हम लोग लिखेंगे आर बराबर कितना 14 और नीचे से 23वां है, नीचे कहेगा तो एल लिखेंगे कितना 23वां। तो बताइए कि उस कक्षा में कितनी छात्रा है, तो बताइए कि उस कक्षा में कितनी छात्रा है। तो टी निकालना है, तो टी बराबर क्या होता है आर प्लस एल माइनस ओवन। तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 प्लस 23 और माइनस ओवन। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 और 3 माइनस ओवन इजकल टू 36। और भी क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से 10वां है,
तो ऊपर से कहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर के लिए हम लोग हमेशा आर लिखेंगे, तो ऊपर से दसवां है, ऊपर से दसवां है और नीचे से बीसवां है, और नीचे से बीसवां माने एल इजकल टू बीस। तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो कुल कितने हैं, तो हम लोग ऐड कर टी इजकल टू लिखेंगे आर प्लस एल माइनस ओ वन। वैल्यू अगर रखते हैं तो आर के जगह कितना रखेंगे, आर के जगह 10 प्लस 20 माइनस ओ वन, तो ये हो जाएगा 30 माइनस वन इजकल टू 29। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है, अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा, तो बाईं के लिए एल लिखेंगे तो एल इजकल टू थ्री हो जाएगा, और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, यहाँ पे टी के वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो उसका स्थान दाईं से क्या है, तो हम लोग जानते हैं टी इजकल टू आर प्लस एल माइनस वन, टी इजकल टू 18 दिया हुआ है और R का वैल्यू निकालना है, L का वैल्यू 3 दिया हुआ है माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, इधर से 2 इधर आएगा तो R इजकल टू 16 हो जाएगा। पूछा था कि उसका स्थान दाई से क्या है, तो दाई से उसका स्थान 16 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वें स्थान पर है। अब ध्यान दीजिएगा, जब दोनों छोर से बोला तो दाई ओर से भी और बाई ओर से भी, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों छोर से बोला, तो दोनों छोर से कहने का अर्थ हुआ दाएं से भी और बाएं से भी। तो लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर से 21वां है, मतलब कि आर का वैल्यू भी 21 होगा और एल का भी वैल्यू 21 होगा, 21वां स्थान पर है, तो बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो हम लोग टी निकालेंगे तो आर प्लस एल माइनस वन, तो हम लोग जोड़ेंगे 21 प्लस 21 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 42 माइनस वन इजकल टू 41। अगला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, बावन विद्यार्थियों की एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, टी इजकल टू दे दिया है कितना 52, बावन विद्यार्थियों में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 52 बावन दिया हुआ है, समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19वां है, ऊपर से कहे तो आर लिखेंगे, इसका वैल्यू 19 दिया हुआ है, तो उस क्रम में अंत से कितना होगा, तो फिर हम लोग यही याद रखेंगे टी इजकल टू आर प्लस एल माइनस ओ वन, टी का वैल्यू 52 दिया हुआ है और आर का वैल्यू 19 और प्लस एल और माइनस ओ वन, इसमें से ओ वन सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 18 बचेगा, तो इधर लाएंगे 52 माइनस 18 इजकल टू एल, अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 हो जाएगा और ये 4 में से 1 जाएगा तो 3, मैंने हुआ कि उसका क्रम अंत से कितना होगा, तो अंत से उसका 34वां होगा, अंत से 34वां होगा। रैंकिंग का पार्ट वन में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए हैं और कुछ क्वेश्चन रह गया है जो अगले वीडियो में हम लोग पार्ट टू में बताएंगे, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए।